नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार विधानसभा सत्र में कल का दिन हंगामेदार रहा। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निजी टिप्पणियां की और आरोप लगाए, जिससे सीएम भड़क गए और सदन में खड़े होकर तेजस्वी के हमले का जवाब देने लगे। इस दौरान वो काफी गुस्से में दिखे। आमतौर पर मुख्यमंत्री इतने गुस्से में नजर नहीं आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पर बड़ा आरोप लगाया। राबड़ी देवी ने कहा कि लोदीपुर में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का 250 से लेकर 300 घर है। इस पर सुशील मोदी भी सीट छोड़कर खड़े हो गए और उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर वहां एक इंच जमीन निकल आई तो पूरी जमीन आपको दे दूंगा। बता दें कि शुक्रवार को देर शाम बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के नाम की घोषणा भी कर दी है। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति ने उपचुनाव के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था। अब इस बात की चर्चा भी तेज हो गई है कि उन्हें केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी इससे पहले भी कई बार सुशील मोदी पर आरोप लगा चुकी हैं। इस पर सुशील मोदी ने कहा था कि जो भी आरोप है उनका प्रमाण भी दें। मोदी ने भी राबड़ी देवी पर पलटवार करते हुए कहा था कि उनका एक फ्लैट भू माफिया ने 4,28,00,000 रुपए देकर क्यों खरीदा था। राबड़ी देवी पटना में 30 से ज्यादा फ्लैट की मालकिन कैसे बनी। चुनाव हलफनामे में दी गई डिटेल के मुताबिक सुशील मोदी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा अमीर हैं। बैंक में जमा राशि, शेयर में निवेश इत्यादि को मिलाकर सुशील मोदी के पास करीब 1.26 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सुशील मोदी के पास उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में एक आवासीय मकान भी है। सुशील मोदी 2005 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2010 में दोबारा उप मुख्यमंत्री बने। 2017 में जब नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ सरकार बनी तब उस सरकार में भी सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बने। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सुशील मोदी के जगह बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इस बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है और अब सुशील मोदी को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। यह सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हो गई थी। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात करें तो चुनावी नामांकन के दौरान पेश किए गए हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव के पास 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 2015 में उनके पास 2.13 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 5 साल में उनकी संपत्ति लगभग 3.5 करोड़ रुपए बढ़ गई है। बताते चले कि तेजस्वी यादव राजद सुप्रीमो लालू यादव के छोटे बेटे हैं और वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। चारा घोटाले में अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद लालू यादव सजा याफ्ता हैं और अब राजद की बागडोर तेजस्वी यादव ही संभाले हुए हैं। तेजस्वी राघोपुर से विधायक भी निर्वाचित हुए हैं। बहरहाल कल आरोप प्रत्यारोप के दौर में विकास से जुड़ी चर्चा को दरकिनार कर दिया गया। निजी टिप्पणियों के बीच विकास की बात पीछे रह गई। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।